बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल में तमाम देखने वालों का। तो सिलाई सीखने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो एंचिस टेप होती है। तो आज की वीडियो एंचिस टेप के बारे में है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि एक इंच क्या आता है, सवा इंच क्या है, डेढ़ इंच क्या है और पौने इंच क्या होता है। ठीक है, तो छोटी सी वीडियो है, बिना स्किप किए देखनी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है और दोस्तों में शेयर करना है। और मेरा दूसरा चैनल शाइस्ता नबील स्टिचिंग को भी प्लीज विजिट करें और उसकी वीडियोस को भी देखें, इंशाल्लाह आपको उधर भी अच्छी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखें, सबसे पहले एंचिस टेप के बारे में ये देखें, ये जो बड़ी लाइन है ये एक इंच कहलाती है। ठीक है, ये एक इंच, ये दो इंच, तीन इंच। अब इसके बाद ये इधर से शुरू करते हैं। ये देखें, ये एक इंच के बाद ये जो थोड़ी सी बड़ी लाइन है ये सवा इंच होगा, और फिर पॉइंट छोड़ के थोड़ी बड़ी लाइन जो है, ये जो बड़ी लाइनें हैं इनमें से हाफ है जो, वो होगी डेढ़ इंच। ठीक है, इसके बाद पॉइंट छोड़ के थोड़ी सी बड़ी जो है वो होगी पौने की, पौने दो। इस तरह अब मैं आपको पेपर पे भी करके दिखाती हूं। जैसे हम कहते हैं कि तीन इंच, मैं आपको कहती हूँ तीन इंच हमने गला बनाना है। ये देखें, ये हमने तीन इंच का गला बनाया। ठीक है, तीन इंच पे निशान लगा लिया। अब ये मैं एक लाइन लगा के आपको डिटेल में बताती हूँ। ये देखें, ये बड़ी लाइन मैंने लगा ली है, ये हो गई तीन इंच की। ठीक है, इसके बाद ये देखें, ये इस तरह ये तीन इंच हो गया। अब इसके बाद ये छोटा पॉइंट है, इसको हम पॉइंट ही बोलेंगे, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद पॉइंट से जो बड़ा थोड़ी सी लाइन होगी उसको सवा इंच बोलते हैं। ये तीन इंच हो गया, तीन इंच के बाद पॉइंट छोड़ के ये अगर होगा तो ये सवा इंच, सवा तीन इंच होगा। इसके बाद फिर एक छोटा पॉइंट, इसको हम पॉइंट ही बोलेंगे। तो ये जो इससे भी थोड़ी सी बड़ी लाइन है इसको हम साढ़े तीन इंच बोलेंगे। इसके बाद फिर एक पॉइंट, पॉइंट के बाद जो बड़ी लाइन होगी उसको हम पौने बोलेंगे, पौने चार इंच। ठीक है, फिर छोटा एक पॉइंट और उसके बाद ये बड़ा पॉइंट। ठीक है, ये देखें, ये होगी चार इंच। ठीक है, ये तीन इंच, ये तीन इंच पे मार्क कर लिया। उसके बाद पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद इसको हम बोलेंगे जो छोटी लाइन, पॉइंट के बाद जो छोटी लाइन होगी वह सवा होगी। उसके बाद पॉइंट के बाद ये जो फुल बड़ी लाइन है ये उनमें से हाफ होगा, ये होगी साढ़े। ठीक है, और इसी तरह ये आगे चलता जाएगा, तीन, सवा तीन, साढ़े तीन, पौने चार और चार। यही इसकी मेजरमेंट है और यही इसका तरीका होगा। और इसकी बैक साइड पे सेंटीमीटर है। तो हमने एंचिस टेप के बारे में बात करनी थी, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि एंचिस टेप के बारे में डिटेल में बताएं, तो प्लीज़ मैं बहुत सॉरी करती हूँ, माजरत करती हूँ कि मैंने लेट वीडियो अपलोड की है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।